हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हैं वो एक कैंडिडेट के कैसे निकाले जाते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखो कोई भी एग्जाम है वो 3-4 शिफ्ट में अगर हो रहा है तो कोई शिफ्ट हार्ड आती है, कोई शिफ्ट हल्की आती है, जिसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं कईयों में और कईयों में मार्क्स कम आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सभी को एक ही ट्रीट करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मतलब उनके नंबर किसी के अगर हार्ड शिफ्ट में कम आ रहे हैं तो वो बढ़ जाते हैं और जिसके इजी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला है। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ AAI ATC जो का उसका पेपर हुआ था अभी रिसेंटली मार्च के अंदर, और उसका रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन होके ही आएगा वो। तो देखो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का ये फॉर्मूला है, ये है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। इसके अंदर है S2/S1 x माइनस एक्स एवरेज प्लस में वाई एवरेज। देखो ये टर्म क्या क्या है। एक्स S2 जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे किसी भी एक शिफ्ट का, तो कैसे निकालेंगे। देखो x हमें पता है, ये एवरेज मार्क्स x क्या है, रॉ मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, मतलब बच्चे के कितने नंबर बन रहे हैं फिलहाल। और ये है एवरेज मार्क्स इन दैट कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था, तो एवरेज कितना स्कोर कर रहा है। मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा आपको। वाई एवरेज उस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स हैं जिसके अंदर एवरेज मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब हाईएस्ट एवरेज मार्क्स शिफ्ट के, ये एवरेज मार्क हैं वाई एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज स्कोर शिफ्ट, मतलब ऐसी शिफ्ट जिसमें ज़्यादा लोगों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स एवरेज, और उसका हमें समेशन करना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ये हम करते हैं। तो एक्स क्या है इसमें, रो मार्क्स, और ये क्या है, एवरेज मार्क्स ऑन दैट शिफ्ट, तो ये हम करेंगे इसके अंदर। देखो ये आपको फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो आगे इसमें जो भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा यही यूज करूंगा, तो आपको ये टर्म्स जो है पता होनी चाहिए क्या क्या यूज कर रहा हूं मैं। एस टू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज स्कोर शिफ्ट, हाईएस्ट लिखा है। एस वन जो है वो कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट के लिए, मतलब नीचे वाला जो है जिस शिफ्ट में हम बात करेंगे, जिस शिफ्ट के कैंडिडेट का हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालेंगे उसका है ये, और ये रॉ मार्क्स है जो फिलहाल बच्चे के बन रहे नंबर वो है, और ये है एवरेज मार्क्स उसके शिफ्ट के, और ये है एवरेज मार्क्स हाईएस्ट मार्क शिफ्ट के, मतलब ये और ये जो है इन दोनों में एक ही यूज होगा, एवरेज मार्क वही यूज होगा दोनों में। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। एक मैं डाटा लिख देता हूँ 10 कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक डाटा बनाई है, तो उसको मैं लिख देता हूँ और उसको फिर हम सोल्व करेंगे। एवरेज मार्क्स हम निकालेंगे हार्ड शिफ्ट के और इजी शिफ्ट वालों के लिए। मैं इसमें सिर्फ दो ही शिफ्ट बना रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट मैं ले रहा हूँ, एक शिफ्ट मैं इजी ले रहा हूँ, एक शिफ्ट मैं हार्ड ले रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 10 ही कैंडिडेट ले रहा हूँ। तो 10 कैंडिडेट से हम ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हम निकालेंगे। देखो पहले कैंडिडेट के लेट से मैं मार्क्स मान रहा हूँ 75। देखो टोटल नंबर जो है 120 नंबर का पेपर था हमारा ATC वाला, तो उसमें मैं मान रहा हूँ 75 नंबर आए हैं पहले के, दूसरे 95 50, किसी के कम भी आ रहे हैं किसी के ज़्यादा भी आ रहे हैं, 60 65 70 और 90 87 72 40, ये मैं मान रहा हूँ। सेकेंड शिफ्ट में मैं लिख देता हूँ 101, वैसे तो तीन शिफ्ट थे एक दिन में, 84, तो ये मैंने मान लिए, दो शिफ्ट मैंने मान ली और उनके ये मार्क्स हैं, तो इसका हम एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज मार्क्स कितना आएंगे इसके, 70.4 एवरेज मार्क्स आएंगे। सभी को ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, इसमें अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 79.3। तो किस वाले के ज़्यादा आ रहे हैं, इसके ज़्यादा एवरेज मार्क्स है ना, तो इसमें वाई एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 79.3, यहाँ पे लिख दो वाई एवरेज। देखो मैंने कहा था कि एवरेज मार्क्स इन हाईएस्ट एवरेज मार्क्स शिफ्ट, तो हाईएस्ट ये है हमारी दो शिफ्ट मैंने मानी है, इसका एवरेज मार्क्स कम है इसके ज़्यादा है, तो यही हम लेंगे वाई एवरेज 79.3, ठीक है। तो एक्स एवरेज क्या था, कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट में, कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट लेट से इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका एक्स एवरेज क्या होगा, ये होगा। एक्स क्या है, रॉ मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स है सभी के।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। सॉरी, यहाँ पे एक स्क्वेयर का टर्म आएगी, ये स्क्वेयर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वेयर आता है, तो इसका स्क्वेयर करना है एक्स माइनस में इसका, और उसका स्क्वेयर करो, और किस से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है सभी का। पहले तो ये लिख लो तुम एक्स माइनस एक्स एवरेज जो भी आएगा यहाँ पे, और उसका स्क्वेयर, ये लिख लेंगे हम सभी का, और सभी को ऐड करके, और फिर लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल के आएगा। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे S1। S1 मैंने क्या लिया था, कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका, फिर निकल के आएगा 302, लगभग पूरा आ रहा है 302। इन सभी को ऐड करना है और टोटल नंबर 10 से डिवाइड करना है। एन जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ मार्क्स है, ठीक है, तो इसका 302 आ जाएगा। सेम इसका हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, S2 बनेगा। सेम इसका अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा, S2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज मार्क्स शिफ्ट। तो इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बनेगा, इसमें भी हम वही करेंगे एक्स माइनस एक्स एवरेज का होल स्क्वेयर, एक्स एवरेज ये लेंगे इसमें, एक्स ये लेंगे, इन दोनों की माइनस करना है, फिर उसका स्क्वेयर करना है, और सभी को ऐड करना है, और 10 से डिवाइड करना है। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 101.6, ये बन के आएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मैं बोलूँगा फिर S2, और ये है मेरा S1, ठीक है। यहाँ से हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। अब जो भी डाटा आता है, देखो जो भी बच्चों के मार्क्स होते हैं तो वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ज़्यादा नंबर है और कितने नंबर के कम है। अगर सभी के बराबर से नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी एक बच्चे के 95 आ रहे हैं और एक बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके नंबर जो है 50 वाले के 70 तक जा सकते हैं, 75 भी जा सकते हैं उसके। देखो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे लोवेस्ट मार्क्स हमारे 40 हैं तो इसके मार्क्स जो है कितने आ सकते हैं आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है मैं इसमें निकाल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। S2 मेरे पास ये है, S1 ये है, X मेरे पास ये है, X एवरेज जो है ये है, X एवरेज मीन्स जो भी कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट है वो, Y एवरेज ये है 79.3। तो इसमें हम अगर कैलकुलेट करें तो 75 वाले मार्क्स, उसके मार्क्स बन जाएंगे 80.8, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू ये है, x एवरेज ये है, S1, S2 और y एवरेज 79.3, सभी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो ये आएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है 80.8 हो गया। देखो इसके कितने मार्क्स, लगभग 6 मार्क्स जो है इंक्रीज हो गए इसके। अब देखो 95 वाले की बात करें हम, ये 95 है तो इसके हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर निकालें तो इसके बनेंगे 87.6, इसके डिक्रीज हो गए, ठीक है। अब ये है 50, तो इसका हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 72.4, और 60 है तो इसका बनेगा 75.8। देखो 10 नंबर के फ़र्क में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का ही फ़र्क आया है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ये है नॉर्मलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत, जिसके ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा इंक्रीमेंट लेगा, जिसके एवरेज के आसपास मार्क्स हैं तो उनका ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, जिनके कम हैं उनका ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, या फिर जिसके ज़्यादा नंबर हैं उनका डिक्रीमेंट होता है, उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो देखो ये है 60 पे इतना है, 65 पे आएगा 77.5, और 70 पे आएगा 79.2, और 90 पे आएगा 85.9, और 87 पे आएगा 84.9, और 72 नंबर पे आएगा 79.8, और 40 इस पे कितना आएगा, देखो अब बताओ जरा। 40 नंबर्स जो हैं वो बहुत कम आ गए इसके कंपेयर में, लगभग आधे से चले गए। अब इसके देखना तुम कितने इंक्रीमेंट होंगे, तो इसके बनेंगे 69.1, 30 नंबर इसके इंक्रीज हो गए। तो जिसके कम नंबर है, एवरेज से काफ़ी कम नंबर है, आधे हैं, तो वो भी लगभग उसके पास ही चले गए, 69.1 एवरेज मार्क्स के पास में चले गए। तो ये है खासियत नॉर्मलाइजेशन की। कुछ बच्चे जिनका पेपर, जिनको इजी शिफ्ट में पेपर मिला था वो ज़्यादा खुश भी ना हुए, और जिसका हार्ड लेवल में था तो उनको मार्क्स इंक्रीमेंट मिल सकता है, तो ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा सोचे वो भी ना। अब देखो ये जो इजी शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट मैंने मान ला इजी शिफ्ट है, इसके अंदर 2 मैंने डाटा लिया है, तो इसके अंदर अगर कैलकुलेट करेंगे देखो इसमें S2 तो यही रहेगा, है ना। S1 क्या लिखा था मैंने,
कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट, अब कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट यही है तो S2 और S1 दोनों ही बराबर होंगे इस केस में, है ना। Y एवरेज वही है 79.3, X ये है, X एवरेज भी यही होगा 79.3, तो सिंपल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल मार्क्स जो है इसके 101 ही रहेगा आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, कोई फर्क नहीं आएगा। जो हार्ड, जो इजी शिफ्ट थी उसके नंबर जो है सेम ही रहेंगे, जो हार्ड शिफ्ट थी उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ये फर्क है। अब देखो बात करते हैं हम एटीसी के एग्जाम की, तो एटीसी के एग्जाम जो है 25 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, तीन शिफ्ट थी उसके अंदर, तो वो पहली शिफ्ट में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, बच्चों को सिलेबस के बारे में ज़्यादा खबर नहीं थी क्योंकि एक ही बार सिलेबस जो है रिलीज किया गया था, उसके 5-10 दिन में वो सिलेबस हटा दिया गया था, तो ज़्यादा बच्चों को नॉलेज नहीं थी कि सिलेबस क्या आएगा, जो कि लास्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे थे सभी कोचिंग वाले या फिर सभी बच्चे जो है लास्ट पैटर्न को ही फॉलो कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग पहली शिफ्ट मैं कहूँगा थोड़ी सी हार्ड लेवल की थी, तो पहली शिफ्ट के जो भी मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं 70 के आसपास ही बनेंगे एवरेज मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो ये लगभग और लगभग आप फर्स्ट शिफ्ट ही मान लो इसके अंदर, और ये आप मान लो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर, सेकेंड शिफ्ट थोड़े से कम इससे कम होंगे और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी और इजी पड़ जाएगी, क्योंकि तब तक बच्चों को पता लग गया था कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है एटीसी इस बार। जो भी 12th का मैथ है वो सब बच्चे, कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, तो कुछ फ़ायदा मिल गया होगा थर्ड शिफ्ट वालों को, फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है उस केस में। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो है कवर कर देगा, यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट के नंबर हैं जिसके एवरेज से काफ़ी कम है तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। तो इसकी कट ऑफ जो है वही 80 के आसपास ही रहेगी, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि भाई उनको ऊपर ऊपर मार्क्स उनको सीट मिल जाएगी, उनके भी नंबर जो है कम होंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जाएगा, ये जो पैटर्न है ये मैंने ATC की AAI की वेबसाइट से ही फॉर्मूला जो है निकाला है, यही फॉर्मूला जो है हर एक केस में हर एक एग्जाम में फॉलो होता है, RRB एग्जाम में, SSC एग्जाम्स में, हर जगह यही फॉर्मूला जो है फॉलो किया जाता है। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपको कुछ राहत मिली होगी इस वीडियो को देखकर, जिसके भी नंबर जो है वो काफ़ी कम आ रहे थे या फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो एयरफोर्स का बैच जो है रेगुलरली मैं वीडियो उस पर बना रहा हूँ, तो आप अपने बच्चों को या फिर अपने भाई बंधुओं को बता सकते हैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। देखो जुलाई में उसका भी एग्जाम है, तो एयरफोर्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो 12th की फिजिक्स मैंने पूरी करवा रखी है, 11th की फिजिक्स में फिलहाल मैं चल रहा हूँ, तो उसमें 3 यूनिट मैंने कंटिन्यूसली करवा रहा हूँ अभी, 11th का मैथ और 11th की फिजिक्स मैं अभी फिलहाल जो है उनके वीडियो जो है अपलोड मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा इनकी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं।